धज के, सज धज के, ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो आज है 22 जनवरी और बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है आज हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे श्री राम जी की स्थापना हो रही है अयोध्या में। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सेकंड दीपावली के लिए, क्योंकि आज के बाद हमारे दो बार हम लोग दीपावली सेलिब्रेट क्या करेंगे, एक जो नवम्बर में होती है और एक 22 जनवरी को। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, एक्साइटमेंट का दिन है। पर हम सबके यहाँ पे पीली वो सबके यहाँ पे जो चिट्ठी आई है और चावल आए हैं, पीले चावल सभी के यहाँ पे आए हैं। तो जा तो नहीं पाए हैं पर अपने घर पे ही कोशिश करेंगे कि घर पे ही थोड़ा बोड़ा, मतलब छोटा मोटा कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट करें। तो अभी मम्मी ने पूजा कर दी है भगवान जी की, तभी बड़े पापा जाएंगे प्रसाद लेके आएंगे और खाना वाना भी आज हम लोग जैसे दीपावली मनती है वैसे मनाएंगे। शाम को दीप वगैरह जलाएंगे और ये देखो नहा धो के हो गए हैं रेडी, पर अभी जाएंगे ये सारा सामान पूजा का लेने के लिए, माला वाला चढ़ाएंगे और प्रसाद वरसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। तो जो लोग अयोध्या नहीं गए हैं वो लोग अपने घर पर दीपावली मनाइए, क्योंकि हर घर में खुशी का दिन है, अयोध्या में भी है और हर घर में राम आ रहे हैं। तो आप चाहो तो अपने घर को ही अयोध्या सजा सकते हो, अपने घर कम से कम पांच दिए तो जलाएं घर में। हाँ, कम से कम पांच दिए जलाएं। हमारी परी गई है स्कूल, क्योंकि वैसे तो सारे स्कूलों की छुट्टी है पर उसने डांस में पार्टिसिपेट किया है, तो उसकी मैम ने बुलाया था उन लोगों को जो डांस में पार्टिसिपेट किया। तो उधर से परी को लेने जा रहे हैं और चलो मैं भी खाना वाना बना लूं, क्योंकि मैं बनती है थोड़ी देर बाद। राम 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 राम। गाइस सो इतनी बड़े कलेश हो गया सुबह सुबह घर पर नहा धो के, हम लोग ऐसे देखा ही था इससे पहले ब्लॉग में दिखाया था कि नहा लिया है सब लोगों ने, खाना पीना बनाने जा रहे। इतने में देव गिर गया तो देव का पूरा मुंह फट गया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा फट गया, दांत लाए टाके वाके आए तो मैं तो घबरा गई सवेरे से, मैं तो दांत पैर कपड़े रो रो कर पूरा हाल है मम्मी का, सभी लोगों का। खाना अभी 2:30 बज रहा है 2:30 बज रहा है अभी रोटी बनाई मैंने, सभी लोग बढ़िया सवेरे से खुशी थे कि चलो अच्छे से पूजा वूजा करेंगे और ये हो गया। समझ में नहीं आता बच्चे को, हमारे बच्चा ने देखो का कर लई हमें लोग, देखो कितनी लग गई है इसके, हमारे तो हमारे राम जी तो घायल हो गए सुबह से, कितने प्यारे हैं हमारे राम जी। वाह वाह वाह, कैसे लग रहा है, बिल्कुल बच्चे जैसे। राम मंदिर परिसर से, इस प्रांगण से और भगवान राम के टीवी में है तो वो अजीब सब दिमाग खराब है, पर मैं अब खाना खाएंगे, पर इतनी लग गई आपने देखा होगा कितनी लग गई। चलो पूजा करने पर पापा मम्मी कुछ नहीं करा, सोचा था फूल माला बिछाएंगे, भगवान को सजाएंगे, करेंगे वो करेंगे, बेटू के लग गई तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। वैसे ही मम्मी दीप ही जला देंगे, पांच दीप जला के ऐसे ही कर दे रहे हैं पूजा, क्या करें। परी को दे दो, परी बजाएगी घंटी, परी को दे दो घंटी, परी बजाओ। अभी पांच दिया नहीं गए थे, हो गए चार, हो गए एक और अम्मा गई लेने। अब दिन था सुबह से और बेटू ने इतनी बड़ी वो कर ली, कुछ कह नहीं सकते, बेटू को देख के दिमाग खराब हो रहा है। मैं घर में 4 बज गए अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, भगवान को तो सुबह पूजा कर दी थी, केला वगैरह चढ़ा दिया था, फल वगैरह, अब लड्डू मंगा लिए। हमारे राम जी ये देखो किस किस के घर पर, हटना दिखा दूँ दूर से कि जी देखो हमारे घर पर आया था जी, इसके जो चावल थे उसी की खीर बनाई है, खीर जो चावल आए थे भगवान के लिए, जो इस चिट्ठी के साथ में आए थे वही चावल डाल के और चावल की खीर बनाई है। चम्मच लिया परी जा, चम्मच ले आ जा। इधर 5 दीपक जल गए, परी पापा लड्डू ले आए थे तो जितना बना उतना कर दिया, 5 लड्डू लाए थे क्यों। उसने 5 ही दिए, 50 रुपए के दे दिए तो। अच्छा तो उसने 5 दे दिए। चम्मच ले, हाँ मम्मी ले आ गई, परी उठा ले। रात में जलाना छत पे, दिए रख देना जी, नहीं रात में दिए दूसरे जला देंगे छत पे, सब करते पर हमारे बेटू ने ऐसा किया कि हम कुछ कर नहीं सकते।
चले हम रोटी सेक लें, सब्जी बना दी हमने। बेटू को देख के ऐसा लग रहा है बेटू के पास में ही बैठे रहा है। इतनी तो मेरा बेटा को देख के मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। चलो लला कुछ खा भी नहीं पा रहा है। सुबह तक ऐसा उल रहा था फुटबॉल जैसी नहीं और मुंह फोड़ लिया पूरा। देखो कैसे तो ओंठ सूज गया राम। हाय लला।